वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कितनी पीढ़ियाँ इसमें दी हैं, 5 पीढ़ियाँ इसमें ऐसे दी गई हैं। तो सबसे पहली जो पीढ़ी है, डेट वगैरह बहुत ज़्यादा याद मत करो, कई बार डेट्स वैसे पूछ लिए जाते हैं बट कितना डेट रटोगे हर चीज़ का तो फिर दिक्कत होगी। वैसे चलो थोड़ा सा हम लोग इस तरह से डेट याद करते हैं कि जब अपना भारत आज़ाद हुआ तो फिर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, इस तरह याद रहेगा थोड़ा सा। भारत आज़ाद हुआ तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में, स्टोरेज डिवाइस के में मैग्नेटिक ड्रम, और गति इसकी थी 333 माइक्रोसेकेंड मतलब बहुत स्लो, केवी में भी नहीं आता था, माइक्रोसेकेंड में। और इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा सकता था, और जो भाषा इसकी होती थी बाइनरी नंबर 0 और 1। और इसकी विशेषता जो थी सीमित भंडारण क्षमता, एक फ़ोटो भी ये नहीं रख सकता था मुझे लगता है, और इसका इनपुट आउटपुट बहुत धीरे था। और इसका जो उपयोग होता था वो व्यापार में यूज होता था, यूनिवैक मार्क वन ये सब आता था। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर्स की यूज़ होने लगे, ट्रांजिस्टर्स। अब इसमें जो स्टोरेज डिवाइस था उसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी ये यूज़ होता था, ठीक है। और उसके बाद इसका जो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा, 10 माइक्रोसेकेंड आया। और ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी बैक रिमेनिंग टाइम शेयरिंग, असेंबली लैंग्वेज इसका यूज़ किया जाता था। और ट्रांजिस्टर का जो उपयोग बढ़ा, और आकार और ताप में भी इसकी कमी है, बहुत पहले उसको एसी में रखना पड़ता था वरना वो दग जाता पूरा कंप्यूटर, इतनी आग निकलती थी। और ये तेज़ थोड़ा सा बढ़ा, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में या व्यापार में इसका यूज़ होने लगा। थर्ड जनरेशन जो है या तृतीय पीढ़ी का हो गया, उसमें आईसी का यूज़ होने लगा। अब सबसे पहले देखो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, फिर ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ हुआ, फिर आईसी का यूज़ हुआ, और उसके बाद स्टोरेज में जो यूज़ हुआ मैग्नेटिक ड्रम, फिर मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, फिर मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर चौथे में आया, ठीक है। फिर इसका जो स्पीड बढ़ा 10 नैनो सेकेंड्स हुआ, फिर वास्तविक टाइम शेयरिंग मतलब तुरंत थी, जैसे किसी से हम लोग बात करते हैं ना तो तुरंत आवाज़ हमारी पहुंच जाती है, उसको रियल टाइम शेयरिंग बोलते हैं। फिर इसमें ये फोरट्रान क्या चीज़ है, भाषा जो इसकी है फोरट्रान, फोरट्रान भाषा जो थी ये एडवांस मशीनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। और चुंबकीय कोर सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में, जो स्टोरेज के लिए हम लोग मेमोरी का यूज़ किए जा सकते थे उसके चुंबकीय कोर मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया जाता था। रिमोट प्रोसेसिंग मतलब दूर से भी उसको प्रोसेस कर सकते थे, इनपुट आउट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर आ गया था। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, IBM सिस्टम, ये सब चीज़ें आ गई थी। फोर्थ जो है, अरे मैं डेट बताना भूल गया आपको, पहला वाला तो जब देश आज़ाद हुआ, दूसरा वाला जब दूसरी सरकार बनी, ठीक है, नेहरू का एक कार्यकाल समाप्त हो गया, और दूसरी बार जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, और तीसरा वाला जब आया जब पाकिस्तान से युद्ध हो गया, दोनों युद्ध जब हुआ, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 71 में हमने बांग्लादेश को पैदा कर दिया, पाकिस्तान से अलग कर दी। तो ये इस तरह से घटनाएं घटती गई, ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो यहाँ चौथा कंप्यूटर वो बना, ठीक है। और इसमें जो यूज़ किया जाता था आईसी की जगह पे, इसमें बड़े पैमाने पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाने लगे, माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ किया जाता था, डिस्क का यूज़ किया जाता था, वो सीडी जो होती है इस तरह से चीज़ें। और उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ी 300 नैनो सेकेंड, टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स, फोरट्रान, पास्कल, पास्कल कोबोल, ये सब जो ना ये लैंग्वेजेस हैं जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर काम करता था उसको, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है कंप्यूटर के लैंग्वेज पे, देख सकते हो उसको, मिनी कंप्यूटर, आगे मैं बना भी दूंगा अगर आएगा। मिनी कंप्यूटर इसका उपयोग क्या था, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई, हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच अनुकूलता आई, जिससे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसमें कर सकते थे हम लोग, IBM, PCX, एप्पल ये सब आ गए। पंचम जो पीढ़ी थी या फिफ्थ जनरेशन जो था वो वर्तमान से आगे तक ये पूरा आ जाता है। तो सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का यूज़ किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ किया गया, जो सीडी वगैरह होता है सीडी डीवीडी उसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जा सकता था, आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं।
और इसमें यूज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच, अब तो ढेर सारी क्रांति की चीज़ें करने लगे हैं ना। तो ये तो था जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।